ओम शांति। चिंतन कीजिए, मैं आत्मा सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाली राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त हूँ। विचार करेंगे शिव बाबा ने मुझ आत्मा को कितने सुंदर सोमानों से सजाया है। बाबा ने कहा, तुम मेरे बच्चे राज युक्त हो। माना बाबा के द्वारा बताए गए हर प्रकार के राज को जानने वाली हूँ। मीठे प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को पूरे सृष्टि चक्र का राज संस्कारों का राज कर्मों का राज ऐसे अनेक राज समझाए हैं। बाबा ने मुझे राज युक्त बना दिया है। राजयुक्त के साथ साथ मुझे जीवन में हर कर्म को युक्ति से कैसे करना है, विधि पूर्वक कैसे करना चाहिए, इसका भी तरीका सिखाया है। युक्ति युक्त बना दिया है। मीठे प्यारे बाबा, आपने मुझे योग युक्त भी बना दिया। मेरे दिल में सदा बाबा समाए रहते हैं। मेरे नैनों में बाबा समाए रहते हैं। बाबा मेरा संसार है। मैं आत्मा हर कर्म प्यारे बाबा की श्रीमत अनुसार ही करती हूँ। मैं हर कदम कदम पर मीठे बाबा से राय लेती हूँ।
मैं आत्मा अपने दिल की एक एक बात बाबा से शेयर करती हूँ। मेरा जीवन मेरे बाबा के आगे खुली किताब है। मैं आत्मा बाबा के साथ पूरा सच्चाई सफाई से चलती हूँ। इसलिए दिलाराम बाबा सदा ही मुझसे संतुष्ट रहते हैं, राजी रहते हैं। और मैं आत्मा परमात्म दुआओं की पात्र भी हूँ। मुझ आत्मा पर सच्चा साहिब राजी हो गया है, क्योंकि मैं हर कर्म बाबा से पूछ कर करती हूँ। जीवन का चाहे कोई भी फैसला हो, ने बाबा के आगे रखकर बाबा से राय लेकर ही करती हूँ। अपनी मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर देती हूँ। फिर जो मेरे लिए उचित होता है, बाबा मुझे वही संकल्प टच करते हैं। इसलिए मेरा हर कर्म यथार्थ, हर बोल यथार्थ बनता जाता है। बाबा मुझे हर कर्म में साथ देते हैं। मैं आत्मा सदा ही बुद्धि से हल्की रहती हूँ। इसलिए मैं जब चाहूं एक सेकंड में अपने दिलाराम बाबा की गोदी में समा जाती हूं।
और जब चाहूं बिंदु बनकर प्रेम के सिंधु में समा जाती हूं। मीठे प्यारे बाबा ने मेरे जीवन को बहुत सहज बना दिया है। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका राजयुक्त युक्ति युक्त और योग युक्त बनाने के लिए। ओम शांति।